पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है और सरकार बनने से पूर्व बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था कि बिहार में योगी राज आ जाएगा और देखिए इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। हमने आपको पिछले दिनों एक खबर बताई थी, उस खबर में ये भी बताया था कि कैसे सम्राट चौधरी बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने के साथ उनका जो बुलडोजर है, जो बातें योगी राज की कही जा रही थी उसकी शुरुआत हो गई है। लालू प्रसाद यादव के करीबी के यहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। दरअसल मामला था और इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं और संभावनाएं जताई जा रही थी। इन संभावनाओं के बीच में लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी जो सुभाष यादव हैं, जो उनके साले हैं, उनके यहाँ पर बुलडोजर चल गया था और बुलडोजर चलने के साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो भागे भागे कहीं ना कहीं पहुँचे थे थाने में और वहाँ पर जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। जी हाँ, साधु यादव की अगर बातचीत करें तो अवैध निर्माण को लेकर के सुभाष यादव पर अवैध कहीं ना कहीं निर्माण को लेकर के जो बातें निकल के सामने आ रही थी, उन बातों में देखिए बीते दिनों किस तरीके से उनके यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसकी चर्चाएँ खूब हुई थी और बुलडोजर चलने के साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के साले और करीबी सुभाष यादव काफ़ी ज़्यादा हिल गए थे और भागे भागे सीधे थाने में पहुंच गए और जा करके उन्होंने सरेंडर कर दिया। लालू यादव के छोटे साले हैं और पूर्व सांसद भी हैं और पटना स्थित उनके आवास पर कौटिल्य नगर स्थित विधायक कॉलोनी में सुभाष यादव का आलिशान बंगला है। इसी आवास पर पटना पुलिस ने 31 जनवरी को डुगडुगी बजाकर नोटिस चिपकाया था। पूर्व सांसद सुभाष यादव पर रंगदारी मांगने, अपहरण करने और जमीन कब्जा का आरोप है। कोर्ट के नज़र में सुभाष यादव फरार थे। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने पटना पुलिस पहुंची थी। पुलिस की तैयारी से घबराकर आनन फानन में सुभाष यादव भागे भागे MP MLA कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। पूर्व सांसद सुभाष यादव को जमीन कब्जा मामले में सरेंडर करने को कहा गया था। उन पर 7 कट्ठा जमीन की खरीद में हेरा फेरी का आरोप है। नेवरा के बेला गाँव में रहने वाले किसान भीम वर्मा की जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला था। भीम वर्मा ने इस बाबत बीटा थाने में सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेणु देवी, बेटे बेला के पूर्व सरपंच सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोर्ट के आदेश पर बीटा सर्किट इंस्पेक्टर कमलेश्वर प्रसाद सिंह अपनी टीम और एयरपोर्ट थाने की पुलिस के साथ पटना के कौटिल्य नगर स्थित विधायक कॉलोनी के सुभाष यादव के आवास पर कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाया था। दरअसल ये पूरा मामला 27 फरवरी 2021 का है। निवरा के रहने वाले भीम वर्मा ने जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। 96 लाख की जमीन रजिस्ट्री करा ली, जमीन पर कब्जा भी कर लिए गया। शुरू में 60 से 50 हज़ार रुपये दिए गए। रजिस्ट्री के बाद मारपीट कर और पैसा भी छीन लिया गया। 18 अप्रैल 2022 को पीड़ित भीम वर्मा ने CM नीतीश कुमार के जनता दरबार में जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसके बाद से 31 जनवरी को कुर्की जब्ती के इश्तहार चिपकाया गया। इसके बाद 13 फरवरी को बुलडोजर लेकर पटना पहुंच गई। 12 फरवरी जिस दिन बहुमत साबित करना था और उसके अगले दिन 13 फरवरी को पटना पुलिस पहुंचती है। कुर्की जब्ती करने वाले कुर्की जब्ती के साथ साथ बुलडोजर भी चलाया जाता है। तो लालू प्रसाद यादव के करीबी और साले सुभाष यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।